हेलो दोस्तों, 14 अप्रैल कल है और वन प्लस 8 सीरीज के स्मार्टफोन कल लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं पिछले दो महीने से और अब तक के बीच में जो घटनाक्रम चला है इस सीरीज के स्मार्टफोन को लेके। ढेर सारे रूमर हमने मार्केट में देखे हैं, चाहे वो इसके कैमरे को लेके हो, डिजाइन को लेके हो, लॉन्चिंग डेट को लेके हो, चाहे इसके स्पेसिफिकेशन को लेके हो। बहुत कुछ हमने देखा है, कभी अलग तरह का कैमरे की डिजाइन, कभी किसी तरह की कैमरे की डिजाइन, कभी कोई डिजाइन, बहुत कुछ हमने देखा। लेकिन फाइनली बाद में धीरे धीरे इसकी लाइव इमेजेस सामने आने शुरू हुई और उसके बाद में कंपनी ने ऑफिशियली पिछले महीने में यानी कि मार्च में कंफर्म कर दिया था कि 14 अप्रैल को फोन लॉन्च होगा। इसमें दो फोन स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले सीरीज में, वन प्लस 8 का एक कॉमन वर्जन और उसके अलावा वन प्लस 8 प्रो। वैसे आपको बता दूं कि पिछले कुछ हफ्ते में बहुत कुछ इस फोन के बारे में ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है। सबसे मेन चीज बताता हूं उसकी डिजाइन के बारे में, तो एर्गोनॉमिक डिजाइन कंफर्म हो चुकी है जिसमें मिलेगी आपको कंफर्टेबल ग्रिप ताकि आप फोन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। उसके अलावा एक लाइव इमेज भी सामने आ चुकी है जिसमें कि पीछे की तरफ क्वाड कैमरा जो प्रो वर्जन है उसमें दिखाई दे रहा है और बाकी कंफर्म हो चुका है कि जो नॉर्मल वर्जन होगा वन प्लस 8 उसमें मिलेगा आपको ट्रिपल रियर कैमरा। ताकि उससे पहले एक और इमेज सामने आई थी जिसमें कि फ्रंट साइड दिखाई दे रही थी फोन की, जिसमें कि पंच होल डिस्प्ले कंफर्म हुई। उसके बाद में इसके प्राइस पहले यूरोपियन मार्केट से और फिर इंडियन मार्केट से भी लगभग रिवील हो चुके हैं। तो चलिए एक-एक करके जान लेते हैं कि आप OnePlus से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं OnePlus 8 पे, तो यहां पर मिलेगा आपको 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, 2400x1080 पिक्सल रिजोल्यूशन। उसके अलावा 402 ppi का पिक्सल डेंसिटी, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आएगा फोन। अब आते हैं सेल्फी कैमरे पे, तो वो मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर जो कि आपको फोकल लेंथ 2.0 एपर्चर के साथ में आएगा। अब आते हैं पीछे की तरफ, तो वहां मिलेगा आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ जिसका फोकल लेंथ होगा 1.75 एपर्चर। दूसरा कैमरा सेंसर होगा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो कि 116 डिग्री व्यू आपको देगा। उसके अलावा बता दें इसका फोकल लेंथ तो 2.2 एपर्चर मिलेगा और तीसरा सेंसर होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर जो कि आपको मिलेगा 2.4 एपर्चर फोकल लेंथ के साथ। साथ में आपको डुअल एलईडी फ्लैश लाइट भी मिलेगी। प्रोसेसर की बात करें तो मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865, 8GB 12GB रैम दो वेरिएंट में मिलेगा। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो फोन मिलेगा आपको 128 और 256GB की वेरिएंट में। एंड्रॉइड 10 पर फोन काम करेगा और ऑब्वियसली वन प्लस का अपना ऑक्सीजन OS भी मिलेगा जिससे कि आपको एक जबरदस्त यूजर इंटरफेस भी देखने को इस फोन में मिलेगा। साथ में इसका रियर कैमरा सेटअप आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देगा जो कि 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड के सपोर्ट के साथ में आएगा। उसके अलावा 4300 mAh की बैटरी और 30 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस फोन में मिलेगा। वजन की बात करें तो 180 ग्राम के आसपास इस फोन का वजन हो सकता है। उसके अलावा डॉल्बी का एटमॉस आपको इसमें सपोर्ट करेगा। अगर प्राइस की बात करें तो वन प्लस के यूरोपियन प्राइस भी सामने आ चुके हैं और इंडिया के प्राइस भी सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले बताता हूं कि आपको वन प्लस का जो बेस वेरिएंट होगा वो 43,990 से 45,990 के बीच में प्राइस इसकी रह सकती है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट जो होगा शायद मेरे ख्याल से 256GB और 12GB रैम वाला वो आपको मिलेगा 47,990 से लेकर 49,990 के बीच में। बाकी जो पर्दा डला हुआ है वो कल तो उठने ही वाला है। अब आते हैं सीरीज के दूसरे स्मार्टफोन यानी कि OnePlus 8 Pro पे, तो इसमें मिलेगा 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। उसके अलावा आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और पंच होल डिस्प्ले तो मिलेगा ही। अगर पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें तो 3168x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन विद 513 पिक्सल डेंसिटी के साथ में आएगा। उसके अलावा गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन तो आपको मिलेगा ही इस फोन में। साथ में इस फोन में सेल्फी कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का जो कि फोकल लेंथ 2.4 चल के साथ आएगा। पीछे की तरफ आपको इस फोन में मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें कि प्राइमरी सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर जो कि आपको फोकल लेंथ 1.78 देगा। उसके अलावा OIS और EIS का सपोर्ट भी इस सेंसर में आपको मिलेगा। दूसरा सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल जो कि 120 डिग्री का व्यू आपको सपोर्ट करेगा। फोकल लेंथ होगी 2.2 एपर्चर। उसके अलावा तीसरा होगा टेलीफोटो सेंसर जो कि 8 मेगापिक्सल का होगा 2.4 फोकल लेंथ एपर्चर के साथ में आएगा। उसके अलावा बता दें आपको 3x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट भी करेगा। चौथा सेंसर होगा 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर जो कि 2.4 एपर्चर फोकल लेंथ के साथ आएगा। डुअल फ्लैश लाइट आपको इसमें मिलेगी। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में भी आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865, एंड्रॉइड 10 पर काम करेगा और ऑब्वियसली वन प्लस का ऑक्सीजन OS भी इसमें मिलेगा बेहतर इंटरफेस के साथ में। उसके अलावा मिलेगा आपको 8GB 12GB या इससे ऊपर
सुपर का वेरिएंट भी मिल सकता है। और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 128, 256 या 512 जीबी के वेरिएंट में भी फोन आ सकता है। उसके अलावा इस फोन में मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एटमॉस, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, उसके अलावा क्वालिटी स्टीरियो स्पीकर, उसके अलावा बता दें आपको 4510 mAh की बैटरी, उसके अलावा 30 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, साथ में 30 वाट का आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। उसके अलावा OnePlus 8 Pro में एक और आपको फीचर मिलने वाला है चार्जिंग का, 3 वाट का आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी करेगा, यानी कि दूसरी आप डिवाइसेस को भी अपने इस फोन से वायरलेसली चार्ज कर सकेंगे एज अ पावर बैंक। वजन इस फोन का 199 ग्राम के आसपास हो सकता है, यानी कि लगभग 200 ग्राम हो गया। उसके अलावा वाईफाई 6 सपोर्ट करेगा, ब्लूटूथ की बात करें तो 5.1 इसमें सपोर्ट करेगा, और 3 कलर वेरियंट में फोन आएगा, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। अब जान लेते हैं इस फोन के प्राइस क्या रहेंगे। तो यूरोपियन मार्केट के प्राइस भी सामने आ चुके हैं और आज इंडियन मार्केट के भी प्राइस आ चुके हैं, तो जान लेते हैं सबसे पहले इसके बेस वेरियंट के प्राइस रहेंगे 61,990 के लेकर 63,990 के बीच में, और जो टॉप वेरिएंट होगा उसके रहेंगे 67,990 से लेकर 69,990 के बीच में। बाकी देखते हैं कौन कौन से वेरिएंट एक्चुअल में ये कंपनी लॉन्च करती है और क्या प्राइस एक्चुअल में इंडियन मार्केट में इसके रहते हैं। बस दोस्तों, जो रूमर अफवाह चली थी इस फोन के बारे में वो चल चुकी, बाकी कल पर्दा उठ जाएगा और हमें पता चलेगा कि इस फोन में आखिर कंपनी क्या देने वाली है। फिलहाल दोस्तों, जो हमें पता था वो तो आपके सामने रख चुके हैं, बाकी इंतजार करते हैं कल तक का और भी सटीक सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स का, जल्द करिए चैनल सब्सक्राइब करा भी नहीं कर, घंटी घंटा जरूर दबा दी ताकि अगले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े थे मेरे चैनल साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद।